नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कोरोना से भारत में हाहाकार के समय हरिद्वार की गंगा नदी में छलांग लगाती ये हिंदू संतों की जमात है। ये जमात तबलीगी होती तो मजा कुछ और होता, कानून की देवी को भी मुकदमे लिखने का सौभाग्य मिल जाता। लेकिन ओ माई गॉड, दीज गाइज आर नॉट मुस्लिम। पिछले साल जमात में आए मुस्लिमों को कोरोना बम कहने वाले लोग अब दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि क्या कुंभ की ये तस्वीरें देखकर आपका मन कुंभ की भीड़ को कोरोना एटम बम कहने का करता है या नहीं करता है? अगर जमात कोरोना बम थी तो कुंभ को कोरोना एटम बम कहना चाहिए, टीवी पर लिखना चाहिए। और अगर आप मुसलमानों के खिलाफ फैलाए गए अपने प्रोपेगेंडा पर भीतर ही भीतर शर्म महसूस कर रहे हैं ना, तो खुश होइए, आपके भीतर इंसानियत जिंदा हो रही है। दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कुंभ हर 6 साल पर आता है। हरिद्वार के कुंभ को नहीं मालूम था अगली बार जब वो आएगा तो इंसानी जाति कोरोना से घिरी होगी। कुंभ को कोरोना की जानकारी नहीं थी, वो अपने समय पर आ गया। सरकारों को मालूम था, सरकारों ने कुंभ में कोरोना का सिर झुकाकर स्वागत किया। हालत ये है कि पहले शाही स्नान से पहले हरिद्वार कुंभ में 400 से ज़्यादा संत कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी लोग गंगा में झूम झूम कर स्नान कर रहे हैं। क्या बहते पानी से कोरोना एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता? या फिर कोरोना अभी तैरना नहीं जानता होगा? या फिर पापों के साथ गंगा में कोरोना भी धो जाता होगा, ऐसा मान लिया जाए। कोरोना से हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि कोरोना से मरने वालों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, और जो मुर्दे बिजली वाले मुर्दा घर भेजे जा रहे हैं वहां डेड बॉडी जलाने के लिए 12-12 घंटे वेटिंग है। मुर्दा घरों का हाल मैंने आपको बता दिया, इसलिए अस्पतालों की बातें बताकर आपका और टाइम खराब नहीं करूंगी। कोरोना के इलाज के लिए यूपी के अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यमदेव को सीधा आमंत्रित करना है। कोरोना से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए तो गंगा में चाहे जितना पाप धोकर आए हों, ऊपर का टिकट यहाँ मिनट से पहले मिलता है। दोस्तों, मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू त्यौहार हो चाहे मुस्लिम त्यौहार हो, आप अपनी सेहत और समाज को सामने रखकर निर्णय लीजिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेल में मत उलझिए। अगर आपको लगता है कि कुंभ में जाना इस समय सेफ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ना इस वक्त सेफ नहीं है, तो दोस्तों, आस्थाएं कभी बंधन में नहीं बंधती। आप घर में रहकर भी या भीड़ में ना जाकर भी आस्थाओं को अंजाम दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सही लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, फेसबुक पर फॉलो करके अपना समर्थन देना। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।